चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। कुछ नहीं, मैंने तुझे पूरे उसमें ढूंढ लिया। किस में माँ जी? वो जहाँ हम रहते हैं। शहर में? नहीं, वो जो शहर में होते हैं। मोहल्ले? वो जो मोहल्ले में होते हैं। घर? हाँ, मैंने तुझे मोहल्ले के सारे घरों में ढूंढ लिया और तू यहाँ बैठी है सवेरा। खूबसूरत माँ जी, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है, चल उठ बर्तन धो चल। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। न तो क्या हो गया तुझे? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ तो तुझे भी तो होंका हो जाता है, क्या जरूरत थी इतना खाने की सहरी में। माँ जी चल चल, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, उठ बर्तन धो। शाबाश। प्लीज माँ जी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दे, आप बर्तन ही धो सकती हैं। आज मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरी छुट्टी है काम की। 10 मिनट में बाहर आ जाऊं। शाबाश। क्या सोच रहे हो नवीन? यार मामू साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि पापा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुमने फिर कोई फरमाइश तो नहीं कर दी उनसे? ओ यार मामू साहब, मैंने क्या फरमाइश करनी उनसे, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि यार को 10-15 100-100 की गड्डियां भेज दे। फिर तो वो सही तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे ना नवीन। ओ मामू साहब, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा। तो फिर क्या उधार मांग रहे थे? भाई उधार कैसा, मैं अपना हक मांग रहा था। वो जो तुम उनसे मांग रहे थे वो तुम्हारा हक था? हाँ जी, साडा हक ऐथे रख। क्या हुआ है मोमो, तुम्हें रोजा लग रहा है क्या? हाँ जी। यार नबी, वैसे इस दफा हमें रोजे बिल्कुल नहीं लगे। हाँ मामू साहब, रोजा उसको लगते हैं जो रोजे में कोई काम भी करे। वो कैसी बातें कर रही है माँ जी, रमजान के 30 एपिसोड बना के दे रहे हैं जे को। ओवर एक्टिंग कर करके मेरे तो फेफड़े बाहर आ गए हैं यार, और आप कह रही हैं हम कुछ करते नहीं है। हद करती हो वैसे तुम मोमो, अब क्या हमारी जान लोगी? ओ माँ जी आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज की इफ्तारी जरा तगड़ी बनाइएगा। मैं आज कुछ नहीं बनाने वाली, जो भी बनवाना है ना अपनी बीवी से बनवा। हाँ तो वो बना देगी, ऐसी क्या बात है, क्यों नबील? और नहीं तो क्या, वो तो बिस्तर पर पड़ी है, कह रही है माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? हाँ डराम हो गई है वो, मैं जा रही हूँ अंदर, खबरदार जो मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया हो तो। हाँ नबील, क्या आज भी अवतार बाहर से आएगी? ओ महमूद साहब, अभी बहुत टाइम पड़ा है यार, मैं खूबसूरत से बोल दूंगा, आपको तो पता है उसकी जरूरत नहीं है मेरी हुक्म दूली करने की। जी जी, बहुत अच्छी तरह पता है यह चीज मेरे अजीज। यार नवीन, वैसे मुझे बड़ी बेसब्री से ना ईद का इंतजार है। क्यों महमूद साहब, आपने ईद वाले दिन ईदगाह के बाहर चादर बिछा के चंदा मांगना है? अरे पूरा रमजान गुजर गया है नबील, और सिर्फ एक एपिसोड में एक सेल्स गर्ल के अलावा कोई और लड़की ही नहीं आई। मैं तो यार लड़की की शक्ल देखने को तरस गया हूँ। तो यार महमूद साहब कैसी फजूल बातें कर रहे हैं रोजों में, चले उठे मैं आपको शान रमजान ट्रांसमिशन लगा के दूं। उठे चले। अरे सुनो तो बैठे बैठे, यहाँ इस उम्र में रमजान में ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है? मैं देखता हूँ बाहर कौन आया, और खबरदार अगर आपने चैनल बदला। खाली दामन भर दे। हेलो। हाय। अब मैं आयशा हूँ। आयशा तुम रोजे के बाद क्यों नहीं आई? रोजे के बाद क्यों? तुम रोजे के बाद आती ना तो मैं बताता कि मैं कौन हूँ। मुझे पता है आप नबील है ना? अरे हाँ मैं ही नबील हूँ, नबील बुलबुले वाला, तुम यकीनन मेरी फैन हो। नहीं तो फिर कौन? मैं डॉक्टर आयशा हूँ। अरे तुम्हें कैसे पता कि सुबह से मेरा गला खराब है, चेक करो कहीं मुझे बुखार तो नहीं है? नबील भाई मैं खूबसूरत की दोस्त डॉक्टर आयशा हूँ। खूबसूरत कहाँ है? बहन वो ना अपने कमरे में, आ जाए बाजी आ जाए। माँ जी खूबसूरत की दोस्त है। हाय मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ, और क्या खूबसूरत हूँ। ओ माँ जी ये खूबसूरत की दोस्त है, है? और ये मेरी माँ जी है। हाय तू मेरा बेटा है? जी हाँ, आप लोगों के बेटे, मैं खूबसूरत को बुलाता हूँ। अनिल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद उसके पास चली जाती हूँ। खूबसूरत की तबीयत ठीक नहीं है? आपको नहीं पता? नहीं नहीं मुझे सब पता है। कमरा कहाँ है? पीछे मेरा कमरा ना जाए। लेकिन मुझे तो खूबसूरत के कमरे में जाना है ना। तो मेरा भी तो वही कमरा है ना। थैंक यू। वेलकम वेलकम। माँ जी खूबसूरत को क्या हुआ है? उसके पेट में दर्द हो रही है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तू उसे डॉक्टर के पास ले जाता? नहीं तो? बस इसीलिए नहीं बताया पुत्र। माँ जी आप जरा पता लगाएं कि
की खूबसूरत की दोस्त क्यों आई है? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं इस घर का मालिक हूँ। ऐसे 15-20 घर है मेरे, अमीर आदमी हूँ मैं। दुबई में मेरा एक होटल भी है। आप कौन है हसीन दोशीजा? मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ अंकल। खूबसूरत कहाँ है? बेटा वो कमरा है उसका। जाओ 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 शाबाश जाओ। और ये चल बे, मैं मुंह निकल गया। बुखार तो नहीं है? हाँ, मैं सुबह से अजीब सी कैफियत है, पेट में भी दर्द हो रही है। कोई खुशखबरी तो नहीं है? आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो? मेरा अभी कोई प्लान नहीं है इस तरह का। क्यों? मेरा शौहर कोई काम करने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम क्या चाहती हो कि मैं एक और बच्चे की जिम्मेदारी अपने पापा पे डाल दूं? वैसे यार तेरी सास तो बहुत इंटरेस्टिंग औरत है। तुम मेरी सास का इलाज नहीं कर सकती? मैं डॉक्टर हूँ, कोई जादूगर नहीं। ये भी है। क्या हुआ माँ जी? यानी होने वाला है। अरे क्या होने वाला है? मोमो? मोमो नहीं, वो होने वाला है। वो क्या? वही जो माँ बाप का होता है ना। माँ बाप का क्या होता है नबील? माँ बाप का तो इंतकाल होता है महमूद साहब। मोमो क्या हमारा इंतकाल होने वाला है? चुप है। इंतकाल नहीं, वो होने वाला है जितना सा होता है। इतना सा क्या होता है? अरे इतनी सी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्ली, खरगोश, कछुआ और पता नहीं क्या क्या। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? अरे तुम ठीक तरह से बताओगी तो हमें पता चलेगा ना कि क्या होने वाला है। हमारा लोया जब पैदा हुआ था तो क्या हुआ था? बारिश हुई थी। बारिश होने वाली है? चलो अच्छा है नबील, गर्मी भी कम हो जाएगी, बच्चों को भी बाहर लॉन में बुला लेंगे। हाँ बच्चों, हाँ बच्चा, बच्चा होने वाला है। किसका बच्चा होने वाला है? इसका बच्चा होने वाला है। क्या? हाँ मैंने अपने कानों से सुनी है। बच्चे की आवाज़? नहीं, इसकी बीवी और डॉक्टर की बातें हैं कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर? नहीं वो फौजिया। खूबसूरत माँ जी? हाँ हाँ खूबसूरत। ओए नबील, इसका मतलब है कि तुम एक बार फिर बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ धोती है वैसे यार नबील डिठाई की। अरे एक बच्चे का खर्चा तो तुम उठा नहीं सकते, दूसरे का कैसे उठाओगे? तो इतना खुश क्यों हो रहा है भाई? ओ माँ जी वो इसलिए कि पापा जी हमारा खर्चा डबल कर देंगे। वो जो डबल करेंगे वो खर्चा होगा। हाँ जी, मैं पापा जी को फोन करके ना ये खुशखबरी सुनाता हूँ। यार ये पापा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे कहीं उनका फोन दोबारा कमोड में तो नहीं गिर गया? नबील एक बात समझ में नहीं आई, ये खूबसूरत तुमसे ये बात छुपा क्यों रही है? कि उसके बाप का मोबाइल फिर से कमोड में गिर गया है। अरे नहीं कि नबील डैडी बनने वाला है। महमूद साहब शर्मा रही होगी, मैं अभी पूछ के आता हूँ। अभी आया। मोमो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बेटे सोने की कंपनी के लिए ना एक छोटी बहन होनी चाहिए। ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप जा रही हैं? हाँ वो मैं खूबसूरत से मिलने आई थी ना, मिल लिया। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस आप उसका ख्याल रखें, उसे आराम की जरूरत है। अरे आप फिक्र ही ना करें, अब तो बस आराम ही आराम है। उससे घर का कोई काम मत करवाइएगा। मैं पागल हूँ क्या? मैं चलती हूँ। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। आपके पास गाड़ी है? नहीं, आपके पास होगी ना, उसमें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके बाय। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी वजह से जानू। मेरी तबीयत खराब है और तुम खुश हो रहे हो, मेरे मरने पे तो तुम जश्न मनाना शुरू कर दोगे। कैसी बातें कर रही हो जानू? और नहीं तो क्या नबील, तुम्हें कोई एहसास है कि मेरी क्या हालत है? इतनी कमजोरी हो रही है। चलो तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें भरपूर इफ्तार कराऊंगा। मुझे नहीं करनी इफ्तारी। जानू गुस्सा मत हो, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत चिड़चिड़ी हो रही हो। फिर भी तुम मुझे चढ़ा रहे हो। सॉरी जानू, मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किस चीज का? अपनी तबीयत का जानू। तो तुम कौन सा मुझे डॉक्टर के पास ले जाते? वो तो भला हो बेचारी आयशा का जो मुझे देखने आ गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ जानू, वरना हमें भी कहाँ पता चल रहा था। क्या मतलब? नहीं नहीं जानू, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम रेस्ट करो और चांदी की फिक्र बिल्कुल नहीं करना। डोंट वरी। ओके टेक केयर। ओके ओके। कैसा आदमी है ये, जरा सी तबीयत खराब हुई है तो मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। यार नबील एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या महमूद साहब? ये खूबसूरत तुमसे छुपा क्यों रही है? हो सकता है महमूद साहब वो मुझे सरप्राइज देना चाहती है। वो जो तुम्हें देना चाहती है वो सरप्राइज है? हाँ जी, और अब मैंने फैसला किया है कि मैं भी उसे सरप्राइज दूंगा। वो कैसे? महमूद साहब मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए पहले से ही बेहतरीन हॉस्पिटल में अच्छा सा कमरा बुक कराऊंगा। शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडवांस एडमिशन करवाऊंगा,
फिर खूबसूरत को बताऊंगा। अरे लेकिन ये सब कुछ तो तुम तब करोगे ना जब खूबसूरत के पापा तुम्हारा फोन उठाएंगे। यार ये पापा जी मेरा फोन कब उठाएंगे? तब उठाएंगे। बात सुनो अरब दाऊद, अपनी बीवी को बोल कि इफ्तारी की तैयारी करे। ओ माँ जी आप होश में तो हैं? ना तो मैं तुझे क्या टोनने लग रही हूँ? ओ माँ जी डॉक्टर ने मेरी बीवी को काम करने से मना किया है, आज के बाद सारे घर के काम आप करेंगी। माँ जी। नबील ये तुम्हें अचानक क्या हो गया यार? मैं उस समय जरा मगरूर सा हो गया हूँ, मेरे ससुर की बच्ची खुची जायदाद का वारिस आने वाला है। अरे तुम्हें कैसे पता के लड़का ही होगा? चलो एक बात बताओ। क्या है? तुम्हें लड़के अच्छे लगते हैं या लड़कियाँ? क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील? बताओ ना जानू, तुम्हें लड़कियाँ अच्छी लगती हैं क्या? मुझे लड़कियाँ क्यों अच्छी लगेंगी भाई? इसका मतलब लड़का। What? जी जी जी, हुमायूं भाई लड़का लड़का। हुमायूं भाई कोई ऐसा नाम सोचे जो किसी करोड़पति अरबपति पे सूट करे। जी जी जी, नहीं नहीं राज रिजवान नहीं, ये नहीं अच्छा नाम, रिजवान नहीं, कोई और बताए। हाँ जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, वार्ड नहीं भाई, वार्ड नहीं, प्राइवेट कमरा चाहिए। हाँ एक फोटोग्राफर भी चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें खींचेंगी एक एक सेकंड की। हाँ जी हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, पैसों का मसला नहीं है, करोड़पति आदमी का नवासा है। हाँ जी, और सब एडवांस में होगा, नो प्रॉब्लम, डेट बाद में कन्फर्म करूंगा आपको। ओके टेक केयर बाय। हाँ जी रिजवान उर्फी साहब बात करें? जी जी, बच्चे की रजिस्ट्रेशन करानी है। जी जी, नहीं नहीं अभी हुआ नहीं है। अच्छा ईद के बाद आ जाऊँ? अरे ठीक है ठीक है जी। फीस डेढ़? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मनी इज नो प्रॉब्लम रिजवान उर्फी साहब, थैंक यू थैंक यू। यार ये पापा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? वैसे नबील ये खूबसूरत के पापा तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वैसे तुमने नोटों की गड्डियां मांग करना बेवकूफी की है। हो सकता है मैं मूसा वो बुढ़ा खुसड़ जो है वो सहरी करके सो रहा हूँ, अफ्तार के बाद करूंगा, अफ्तार से याद आया। और माँ जी आपने अफ्तारी आज स्पेशल बनानी है खूबसूरत के लिए, करशी का जूस भी बना लीजिएगा। घर में फ्रूट के ना छिलके भी नहीं है पुत्र। मूसा घर में फ्रूट क्यों नहीं है? भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। इसका जवाब ये है कि घर में पूरा रमजान फ्रूट था ही नहीं। चाय लेकर आए, मेरी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए मामू साहब। अरे कहाँ से लाऊं भाई? बाजार से और कहाँ से, देखकर अच्छा सा फल लेके आइएगा। अरे पैसे तो दो। शर्म आनी चाहिए मामू साहब आपको। क्यों? मेरा होने वाला बच्चा आपका क्या लगता है? तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरा पोता लगता है। हाँ तो आप अपने होने वाले पोते के लिए 5-6 हजार का फल नहीं ला सकते? मुझे तुम मुझे लाने के लिए कह रहे हो, वो 5-6 हजार रूपए के फल है। हाँ जी अजो जी, मामू साहब और माँ जी कान खोल के सुन ले, अगर आप लोगों की कंजूसी और काहली की वजह से मेरा वारिस कमजोर पैदा हुआ तो मैं आपको इस घर से बेदखल कर दूंगा। आपको सुनाई नहीं देता, जल्दी से जाके मेरी बहू के लिए ना ताजा सब्जियां लेकर आए। फ्रूट? हाँ ताजा फ्रूट वाली सब्जियां, मैं उसके लिए इफ्तारी बनाती हूँ जाके। अच्छा वशे, ये चीज मेरे अजीज। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। नबील पूरे 4,000 रुपए का फल लाया हूँ। बस बस, अरे बस क्या, ये बताओ कि वापस कब दोगे? ओ यार मैं मूसा वही हिसाब किताब कर रहा हूँ। हॉस्पिटल का खर्चा 3 लाख, स्कूल की फीस 1.5 लाख, ये बन गया 4.5 लाख। और फलों के 4,000? हाँ ये हो गए 4,70,000। 4,70,000? इसका मतलब है कि तुम मुझे 4,000 के बदले 20,000 रुपया दोगे? और नहीं यार, जो 16,000 मैंने आपसे लेने हैं ना, वो भी मैंने बीच में शामिल कर दिए। अरे 16,000 रुपए किस बात के भाई? अरे मैं क्या अपने होने वाले बच्चे की शॉपिंग नहीं करूँगा क्या? हाँ भाई, उसके आने से पहले 2-3 महीने के कपड़े तो उसके होने चाहिए घर में। क्यों होने चाहिए भाई? भाई खूबसूरत को सरप्राइज भी तो देना है ना। अब मुझसे काम नहीं होता, मैं सऊद में थक गई हूँ। जलील को बोल के ना मासी रखवाए आप घर में आए हैं। अरे वो कहाँ से रखवाएगा, उसने उसके पैसे भी मुझसे ही ले लेने, पहले ही मेरी सारी जमा पूंजी लेकर चला गया है। वशे वशे। मोमो दुआ करो कि सदीकी साहब ईद से पहले पहले पैसे दे दें,
वरना हमें ईद पे किसी ईदगाह में जाके बैठना पड़ेगा। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अरे खूबसूरत, अरे तुम कमरे से बाहर क्यों आ गई हो भाई? हम तो तुम्हारी इफ्तारी कमरे में ही भिजवाने वाले थे। कमरे में क्यों महमूद साहब? तेरी तबीयत जो ठीक नहीं है पुत्र। माँ जी मैं ठीक हूँ यार। है? नबील कहाँ है? वो तो शॉपिंग करने गया है। मुझे अकेले घर पे छोड़ के वो अपने लिए शॉपिंग करने चला गया? अपने लिए शॉपिंग करने नहीं गया है पुत्र, बच्चे के लिए शॉपिंग करने गया है। सोने के लिए? ओ नहीं, अपने बच्चे के लिए। नबील का कौन सा बच्चा है माँ जी? और वो ही जो होने वाला है पुत्र। नबील का बच्चा होने वाला है? उसने दूसरी शादी कर लिया क्या? अब ज्यादा हमसे छुपाने की वो ना कर, हमें सब पता है कि तू माँ बनने वाली है। ममुना दिमाग तो ठीक है आप लोगों का, ये किसने कहा है आपसे? मोमो ने। हाँ तो मैंने अपने कानों से सुना है, तू अपनी दोस्त फायजा को बता रही थी ना। अरे माँ जी मेरे पेट में दर्द था, सुबह जो बासी फेनी खाई थी ना इसलिए। क्या? हाँ यार। शुक्र है घर के काम से ना मेरी जान छूटी। लेकिन नबील का क्या होगा? महबूब साहब मैं बच्चे के कपड़े लेके आ गया। अरे जानू तुम भी यही हो? चलो अब तो तुम्हें पता चल ही गया, अगर पता चल गया तो कोई बात नहीं। अरे पता तो तुझे चलेगा बच्चू। चलो देखो मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या क्या लेके आया हूँ। नबील मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ओके जानू, लेकिन कपड़े तो देखो ना, क्या क्या क्या। अरे तुम्हारी माँ ने गलत सुना था, खूबसूरत की तो सिर्फ तबीयत खराब थी और तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। शुक्र है महमूद साहब, मैंने अपनी जेब से एक रुपया खर्च नहीं किया, सारी शॉपिंग आपके पैसों से की है। वो तो तुम मुझे वापस कर दोगे ना नबील, पापा जी से लेकर? यार आप पापा जी किस चीज के पैसे देंगे जब कुछ हो ही नहीं रहा। ये चीटिंग है नबील। महमूद साहब ये कपड़े आप रखें, सोना कभी छोटा हुआ ना तो उसे पहना दीजिएगा। मामा मेरा नुकसान पूरा होने के लिए सोने का छोटा भाई आना बहुत जरूरी है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर, ARY ZAP। अभी डाउनलोड करें फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।